तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो ब्लॉक्स के चैनल पे। मैंने अपना लैपटॉप खोल रखा है और बहुत ही जरूरी काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत ज्यादा बिजी हूँ क्योंकि मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना था। तो क्रिप्टो मुझे बोल रही थी कब से खाना खा लो, तो मैंने बोला नहीं बाबू तुम खाना खा लो तो फिर मैं काम कर लूंगा फिर खाना खाऊंगा। हालांकि 2-3 बाइट मुझे उसने अपने हाथों से खिलाया है। क्रिप्टो एक बाइट और, गोभी का मसालेदार सब्जी नहीं अच्छा लगता हमें, इसका भुजिया ही अच्छा लगता है। मैं काम कर रहा हूँ, ये आकर के बटन दबा के भाग जा रहा है। मैंने 2 सिल्वर पे बटन लग गया है। आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए और ताकि हमारे और बड़े बड़े बटन आते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख रहे हैं, इस वाले यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करिए। इस पर मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, कुछ अपडेट कर रहा हूँ चीज़ें। आज की लाइफ में इतनी फास्ट हो गई है कि सारी चीज़ों को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सब बीच बीच में आकर के तंग करके जा रहा है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, किट्रोनी खाना खा रहे हैं अभी। कैसी लग रही है हमारी किट्रोनी? तो मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ पति देव काम भी कर रहे हैं और इधर मैंने खाना निकाल के खाना भी खा रहे हैं। देखो काम के साथ खाना भी, इतना मेहनत, कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इधर सारे ये चिपकू खा रहा है, चिपकू ये सादा पराठा खा रहा है। और ये बोलिए ना, हम पराठा नहीं खाते हैं, हम रोटी खाएंगे। आज इनका मन कर दिया पराठा खाने का। लेकिन कभी कभी पराठा खा लेना चाहिए, वैसे देखो हम भी नहीं खाते, लेकिन ये जैसे कि भुजिया उजिया होता है ना, इसके साथ पराठा ही अच्छा लगता है। और गोभी का सब्जी ग्रेवी नहीं अच्छा लगता हमको, ना भुजिया ही अच्छा लगता है। अच्छा बना है, मजा आ रहा है खाने में, गरम गरम ऐसे सही है। सब्जी तो हम बनाए, पराठा आपकी मम्मी बनाई है। बहुत मजा आ रहा है। मजा क्या आ रहा है बाबू? जैसे ये आपको अगर सुबह नाश्ता वास्ता मिल जाए, ऐसे सुबह नाश्ता वास्ता मिल जाए तो सही है ना। ये देखिए लैपटॉप, ये घर से लेकर आए हैं, अगर इनके बड़े भैया का था तो बनवाने के लिए दिए थे। ये वहाँ का है ना बाबू, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले का है, 16 मार्च का। ये सब इसमें अपडेट कर रहे हैं। मेरा फोटो लगा दिए क्या? वाह, और खाओ कैरी साहब? नहीं, सब खाना खा रहे हैं। तो टेस्टी बना है सब्जियाँ, हमें हम जानते हो डर डर के सब्जी बनाया कि कहीं खराब ना बन जाए। आई लाइक टू गोभी एंड कॉलीफ्लावर बोल दो। गोभी क्या बोल रही हो? गोभी होता है, गोभी गोभी होता है। तो पूरा ले लिया। अरे यार सीरियल चालू हो ही गल, रुक जा दोस्तों। आप सबसे कुछ देर में मिलते हैं, ये खाना तो खाते रहेंगे, खाना पीना हमारे में तो आता ही रहता है। मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से। हेलो फैमिली, कैसे हैं? दोपहर का टाइम हो गया है, लंच का टाइम हो गया है, तो लंच में हम क्या बना रहे हैं आज? भिंडी की सब्जी, भिंडी की सब्जी के साथ अच्छा दाल वाल खाने का। अरे पतिदेव का मेरी कॉल आ रहा है, पतिदेव का मेरी कॉल का मैसेज आ रहा है, कल मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जब तक मेरा भिंडी बनेगा तब तक मैं उनसे बात कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मेरे थोड़ा डाउन कर रही थी, आज मैंने नहाया है तो मैंने आज मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस नहा करके दीदी का नाइटी पहन लिए हैं। उनके जब वीडियो बनाएंगे रील्स पे तब जा करके कपड़े पहनेंगे। आज मन ही नहीं किया बनाने का, मतलब वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। बात कर लेते हैं पति देव से, तब तक तो टीवी ये कार्टून वगैरह देख रही है सोनाक्षी। तो शाम का टाइम हो गया, कुछ कोरियर भी आ गए हैं, ये भैया कोरियर लेकर आए हैं, लेके जा रहे हैं। अच्छा, लेकर भी आए हैं और लेकर जा भी, जो पसंद नहीं है तो रिटर्न ऐसे में कर दे रही हूँ, और भी कुछ है तो जो लेकर जा रहे हैं। तो मैं कहीं जा रही थी इसके जैसे मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, ऑनलाइन शॉपिंग किया है। तो भैया अमित किट्टू राम जितना आया करे ना यहीं पर है, आप चिंता मत किया कीजिए, यहीं पे ला के दे दिया करिए। तो एक बार दोपहर में दीदी का लेकर आए थे तो उनको कंफ्यूज हो रहा था, सोचे कहीं और है अमित किट्टू जायसवाल, तो यहीं पे। तो उन्होंने दीदी को कॉल किया, फिर उसके बाद अभी को आए हैं।
कुछ कुरियर ये हैं और कुछ कुरियर जो पसंद नहीं है मैंने इनको वापस कर दिया। जिसके कपड़े नहीं अच्छे तो मैंने बोला ये नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने तो ये पर मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गया। और दीदी ने तो कुछ और बोला था कि नहीं कुछ ने तुमने कुछ ऑर्डर किया था, तुम तो कुछ और बोली थी, ये कोरियर वाला कुछ और बोला है, तुम बोले थी कि वो कपड़ा ले कर आएगा। वो बोला है कि नहीं वापस करने के लिए मैं बोली हूँ कि आपने कुछ रिटर्न किए करने के लिए बोला था जो आपको पसंद नहीं था। पता नहीं तो कंफ्यूज ही डाल लेती है ऐसे ही ऑप्शन कुछ न कुछ सोचने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं पहले अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पाठ पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं आप सबसे कुछ देर में। तो काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, कुछ वीडियोस बनाना है तो मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। पहले मोबाइल को स्टैंड में लगा लेते हैं, उसके बाद मेकअप करते हैं। मैं फ्रिज में अपना क्रीम रखती हूँ, फ्रिज में इसलिए रखती हूँ हमारा क्रीम फ्रिज में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्रीम ले लेते हैं, क्रीम लगा ले रहे हैं। हमको भी लगता है कि हम ऐसा कुछ मतलब कि ब्लॉग बनाते हैं आप लोग को बोरिंग सा लगता है, क्रीम इसमें जम गया है, तो जब जम गया तो क्या करेंगे, कौन है पानी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको हम फ्रिज में रखते हैं। ये क्रीम मेरा काफी दिन तक चला है, ये क्रीम लगा लो तो ना तो आपको फाउंडेशन की जरूरत है, ना आपको कंसीलर की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये सब ऑयली स्किन के लिए होता है। स्किन चाहे ऑयली हो चाहे सेंसिटिव हो चाहे जैसा हो, सारे स्किन के लिए होता है ये। पक्का सुना अच्छी होगी। और देखिए ना अच्छे से हमने क्रीम वगैरह लगा लिया है, अब सुना अच्छी ट्यूशन से आके आज इसकी मम्मी नहीं गई, ये आ गई, आज हमने को सरप्राइज दे दी ना। आज मैं काजल वजल लगा के जाती है, कहाँ काजल लगा है, लगाई थी हट गया ना, लगा के जाती हो ना, नहीं लगा इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ सबको बताऊंगी। कभी कभी ये दो मेकअप दो मतलब ये दो बॉक्स है मेरा मेकअप का, और इसी के अंदर बहुत ये नहीं कि हाँ हम खाली खाली था, एकदम भरपूर है ये मैं न्यू खोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो इसके पहले वाला था वो फिनिश हो गया है, तो इसको मैं न्यू ओपन कर रही हूँ। और इसकी जो महक है ना, इसकी जो सुगंध है बहुत अच्छी महकती है, तो मैं ऐसे लाइट लगा रही हूँ, ये देखो ये न्यू है, ऐसे डिप डिप करके ऐसे ऐसे लगाते हैं हम, ज्यादा नहीं लगाते हैं, बहुत हल्का लगाते हैं, ये इतना अच्छा होता है ना कि मतलब कि स्मूथ होता है, पूरा कवर कर लेता है, और मुझे ज्यादा लगाने की जरूरत भी नहीं है कि हम कोई पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं, घर के अंदर हैं तो नॉर्मल लगा ले रहे हैं। और डेली ज्यादा डार्क मेकअप, देखो आप लोग बोलते हो कि हम बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा मेकअप करते हैं, आप ही देखना हम क्या लगाते हैं क्या करते हैं, बस मेरा फेस भी लग गया, ज्यादा नहीं लगाते लेकिन आपको लगता है इसमें मेरी क्या गलती है। हमने ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आप लिपस्टिक ऐसे नहीं लगा सकते, उसको तो शीशे में देखते ही लगाएंगे। और मैं कैसे लगाती हूँ देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगी, यू ऐसे किया ऐसे किया, बहुत सारे को शेप मेरा लगाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। एक कलर लगाते हैं
ये कलर ऐसा होता है कि आप कितना भी डार्क मेकअप कर लो, कितना भी डार्क मेकअप कर लो, लेकिन ये लिपस्टिक लगाने से ना ऐसा लगता है कि आपने कोई मेकअप ही नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल मेकअप लगता है। ऐसे तो मैं हमेशा ब्लैक कलर आईलाइनर लगाती, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है ब्लू कलर का लगाने के लिए। ये रहा मेरा ब्लू कलर आईलाइनर, अब मैं इसको लगाऊंगी। ओह माय गॉड, मैंने चेक भी नहीं किया कि ब्लैक है कि ब्लू, मुझे लगा ये ब्लू है लेकिन ये तो ब्लैक निकल गया, जान हो रहा है। सॉरी फैमिली, भी रुक जाइए। तो फैमिली हमने आईलाइनर भी लगा लिया, लेकिन हमको तो इसके पहले तो बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत क्या, अब भी उतना परफेक्ट नहीं लगा पाती हूँ। और आईलाइनर थोड़ा सा मैं मोटा लगा देती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई मेकअप में कट कर ली हूँ। लाइट सानी कैसा लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, अब क्या करें। और इसके बाद बिंदी लगा लेते हैं और सिंदूर लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग के सामने ही जो करना है अगर सामने ही करेंगे। देख इतना तो एक सुहागन तो कर ही सकती है ना, मेकअप तो इतना तो कर ही सकती है। सिंदूर भी लगा ली, अब इसके बाद ये लगाएंगे एक्रो पेंसिल। हमने सारे जगह पोछा लगा दिया है, तुम मत करो। मम्मी लगा नहीं थी ना, नहीं लगा रही थी, तो मैंने बस अब क्या करना है, ये लगाना। ये मेरा टूट भी गया है, थोड़ा बढ़ भी गया, इसको बनवाना भी है। ये बढ़ जाता है ना तो चेहरे का लुक ही चेंज जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा ये मेकअप हो गया है। और इसके बाद देखिए, मैंने यही मेकअप डेली का जो मुझे रील्स वीडियो बनाना होता है, वैसे बाल खुल लेते हैं और अच्छा लगने लगता है, ईयर रिंग्स पहन लेते कुछ और अच्छा आता है। तो हम इसलिए रेडी हो गए शाम को कि आज सुबह में हमने रील्स वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मेरे पति तो भी आते ही होंगे, तो मैं उनके आने से पहले मैं रेडी हो जा रही हूँ। और बस मुझे कपड़े चेंज करना है, अब मैं कपड़े पहनूंगी, कुछ भी पहन लेंगी, सूटी पहनेंगे, जो दिल करेगा वो पहन लेंगे, यही देखिए मेकअप है। और मैं इसी पे रील्स वीडियो बनाऊंगी। तो हमने अपना बैग खोल करके ऐसे रख दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कुछ इस टाइप के ड्रेस पहने, आज वेस्टर्न ड्रेस पहने हैं कि मैं रील्स वीडियो बनाऊँ तो कुछ आज वेस्टर्न ड्रेस पे बनाऊँ, बस आज मैंने ऐसे ही ड्रेस पहन लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमने ये सब मीशो से लिया था, ये इसका ब्लॉग हमने बनाया था वहाँ पे, जब अपनी दीदी के यहाँ गए थे, ननद के यहाँ, तब बनाए थे ना सोनाक्षी, तब तुम लोग गांव में थी ना। अभी हम अपने कुछ रील्स वीडियो नहीं बनाए हैं, तो आप लोग देखिए ये रहा हमारा वेस्टर्न ड्रेस। तो क्या बोले अब हम, सोनाक्षी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ड्रेस रखे थे तो मुझे लगा कि यार जब मैंने लिया है तो पहनूं क्यों ना, कब पहनूंगी, कल को बच्चे हो गए, कपड़े रखे रखे रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, फिर नया नया ड्रेस निकलने लगता है। तो मैं सोची चलो कम से कम रील्स वगैरह वीडियो ही बना करके घर में अपने शौक पूरी कर लेती हूँ। तो दोस्तों मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे है, अगर आज का ब्लॉग आप सबको मेरी पसंद आ जाएगा, हाँ तो मैं रील्स वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तुमको रील्स मतलब इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, मैक्स टिकटॉक भी फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे मैक्स कटक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ये 1,00,000 मेरा इंस्टाग्राम पे होने वाला है, तो सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से करेंगे। और सिर्फ लिबर्टनिंग मेरा लग गया है लेकिन इसका हम सेलिब्रेट नहीं किए हैं, तो इसका भी सेलिब्रेट करेंगे। सबका एक टाइम आएगा, बहुत सारी चीज़ों का टाइम आएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। हमारे पति देव भी आने वाले हैं, और मैंने देखिए एक कपड़े पहनने के लिए वीडियो बनाने के लिए सारे कपड़े इधर बैग उधर बैग, उसमें से भी ट्राई की नहीं, अच्छा लगा निकाल कर फेंक दिया, फिर ये सब दुनिया भर का सब निकाल किए हैं। तो मिलती है दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टाटा बाय बाय, लव लोग, बाय बाय।